टिंकर बेल्स का चॉकलेट मैजिकल वाइनयार्ड। बड़े बड़े देश में ऐसी प्यारी सी छोटी छोटी मैजिकल चीजें होती रहती है। फ्रांस के एक छोटे से बोर्डो इलाके में सुंदर सा वाइनयार्ड था। वाइनयार्ड के बाहर ही कुछ दूर चलते ही स्टोन पिलर के साथ बना हुआ लंबा एंट्रेंस का सुंदर सा शैटो भी था। उस शैटो में एक छोटा सा हैप्पी हैप्पी खुशी भरा प्यारा सा परिवार, क्लो, गैब्रियल और टिंकरबेल्स। प्यारी मॉम क्लो एक बहुत ही लविंग होममेकर, हसमुख और जोवियल गैब्रियल जो कि वही वाइनयार्ड में मैनेजर, और उनकी प्यारी सी बहुत ही मीठी बोली चुलबुली फ्री स्पिरिटेड 14 साल की बेटी टिंकरबेल्स। क्लो और गैब्रियल की शादी के कई सालों बाद टिंकरबेल्स का जन्म हुआ था, इसलिए वे उनकी बड़ी ही लाडली और दुलारी थी। उसकी हर इच्छा एक आवाज पर पूरी हो जाती। सॉफ्ट टॉयज, बेबी बुक्स, जिंगल सीरीज, केक्स, पेस्ट्रीज, चॉकलेट, सब कुछ उसके स्पेशल रूम में हाजिर। एक दिन इतवार की रात के पहले, सुनो क्लोई शरी, मैं विनयार्ड पर जा रहा हूँ। कुछ फार्मर्स ग्रेप्स पिकिंग के लिए आ जाने वाले हैं, बस उनको वर्क लाइन अप करवा के वापस आता हूँ, फिर हम सब डिनर टाइम के लिए जाएंगे। श्याम, जरा जल्दी से आना, हम सब वेट करेंगे। और ये अपना स्पोर्ट्स जैकेट मत भूलना। What? Dad, नहीं, मुझे भी ले चलो प्लीज। मुझे ग्रेप्स पिक करने हैं, मुझे बाहर आना है। I'm so bored at home. I need play time. ठीक है, तो फिर चलो तुम भी मेरे साथ, ले आओ अपनी हैट। टिंकरबेल्स ने फट से अपनी प्यारी सी फ्रॉक और छोटे से हैट डाल गम्बूट्स निकाले। मॉम क्लो ने उसे एक हैंडबैग थमाया जिसके अंदर छोटा सा व्हाइट नैपकिन, एक सैनिटाइजर वाटर बॉटल और एक कुकीज का टिफिन बॉक्स और कुछ चॉकलेट्स। और टिंकरबेल्स अपने बूट्स के साथ तैयार, दोनों अपनी कार में वाइनयार्ड पर पहुंचे। प्ले टाइम टिंकर, तुम यहाँ आसपास ग्रेप्स पिकिंग करो एंड हैव फन। बूट्स पहन के रखना, ऑलराइट गर्ल? देखो संभल के गिर ना जाओ, गीली मिट्टी है। थोड़ा टाइम लगेगा, मैं ग्रेप फार्मर्स को मिलकर आता हूँ। ओके माइकल, इसे संभाल के कैरेज में विनयार्ड घुमा लो। गो गर्ल गो। ओके पापा, यू आर द बेस्ट, आई शैल बी सेफ। और यहाँ टिंकरबेल्स अपनी हैंडबैग को लिए कैरेज के वार्म कैनवास में बैठ जाती है। कैरेज वाइनयार्ड में घूमना शुरू करती है। बैठे बैठे हैंडबैग से उसकी फेवरेट चॉकलेट बोले को निकालकर खाते खाते बाहर का वाइनयार्ड का नजारा देखती है। देखो टिंकर, कितने प्यारे ग्रेप्स हैं। वाओ, रुको रुको, मैं नीचे उतर रही हूँ, मुझे भी ये ग्रेप्स चाहिए। टीनी वीनी, ये तो कितनी बड़ी है। वाओ, काश ये सारे ग्रेप्स मेरे बुलेट चॉकलेट होती तो। उसके ये कहते ही वो ब्लैक ग्रेप में से रेनबो कलर लाइट्स निकली, थोड़ा धुआं और ट्विंकलिंग शाइनिंग स्टार्स का पूरा मैजिकल शावर हुआ। जैसे वो स्टार शावर खत्म हुआ तो उसने देखा पूरे वो ब्लैक ग्रेप्स उसकी फेवरेट बुलेट चॉकलेट बन गई थी। और तो और, पूरे वाइनयार्ड की सारी ग्रेप्स के बीच में कई चॉकलेट और कैंडीज आ गई। वाओ, ये तो कमाल ही हो गया। देखो माइकल, हमारा कैरेज। मिस बेल्स, ये क्या हो गया? वाओ, हमारा कैरेज तो चॉकलेट बुले का बन गया है। ओह हाँ माइकल, ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट बुले है। चलो पापा को बताते हैं। प्रिंग प्रिंग। वे दोनों बहुत खुश होते हैं। कैरेज में बैठकर कुछ बुले हार्वेस्टिंग बास्केट में इकट्ठा कर वापस खुशी खुशी गैब्रियल के पास जाते हैं। माइकल, टिंकर, चॉकलेट कैरेज। सारे ग्रेप हार्वेस्टिंग फार्मर्स आसपास इकट्ठा हो जाते हैं फुसफुसाते हुए। चॉकलेट्स, चॉकलेट्स, हे चॉकलेट्स। टिंकरबेल्स अपने हार्वेस्टिंग बास्केट से बूले निकाल कर सब पुअर फार्मर्स को देती है। टीनी वीनी, ये लो चॉकलेट्स,
आप सब इसे घर ले जाकर आपके किड्स को देना और भी ढेर सारी चॉकलेट्स एंड कैंडीज विनयार्ड में ग्रेप्स के बीच है। प्राउड ऑफ यू माय गर्ल। बोले सच में मैजिक, ये तो एकदम ये कैसे हुआ टिंकर? गैब्रियल का काम खत्म हो गया और वो और टिंकर दोनों बाद में अपने वाइनयार्ड से घर लौटते हैं। यहाँ वाइनयार्ड के सारे हार्वेस्टिंग फार्मर्स दूसरे दिन काम खत्म करके चॉकलेट्स लेकर घर जाकर अपने बच्चों को देते हैं। एक बड़ा ही पुअर फैमिली का हार्वेस्टिंग फार्मर घर लौटकर अपनी बेटी के हाथों में ये चॉकलेट्स देता है। उसकी बेटी इतनी सारी चॉकलेट्स देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। बेटी एक चॉकलेट लेकर अपनी मॉम और डैड दोनों को खिलाती है। उसकी मॉम भी बड़ी खुश होती है। छोटे से परिवार का प्यारा सा सेलिब्रेशन, पूरा परिवार खुश होकर हग करता है। यहाँ सुबह उठकर टिंकर बेल्स अपनी मॉम से, मॉम सरप्राइज, वाव टिंकर चॉकलेट्स इतनी सारी कहाँ से? क्लोई शेरी, यस देखो टिंकर डिड सम मैजिक। मॉम मजाक छोड़ो, सच बताओ क्या हुआ? तुम दोनों भी ना टिंकर टेल मी, ये सब इतने सारे चॉकलेट्स कहाँ से? और तो और पता है, टिंकर बेल्स ने सारी चॉकलेट्स गरीब बच्चों के लिए फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट की। सो प्राउड ऑफ हर। कितने नसीबदार पेरेंट्स हैं हम कि इतनी प्यारी और उदार एंजल बेटी दी है हमें। टिंकर बेल्स, चलो सच सच बताओ मुझे सब कुछ। मामा टीनी वीनी यू नो, बड़े बड़े देश में ऐसी प्यारी सी छोटी छोटी मैजिकल चीजें होती रहती है। ये देख पूरा गैब्रियल फैमिली खुशी और प्यार से हग कर लेता है। हैप्पीली एवर आफ्टर। जहाँ प्यार और उदारता है वहाँ हरियाली ही हरियाली है। बच्चों में गरीब के लिए उदारता और दया भाव होनी चाहिए। दूसरों को देने से खुद का आनंद बढ़ता है। टिंकर बेल्स की तरह टिंक।